सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि देश भर में 97,000 छात्र कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। इसको देखते हुए केंद्रीय शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि अब 2021 में ही स्कूल खोले जाएंगे। वायरल मैसेज के साथ न्यूज चैनल की खबर का बताकर एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जा रहा है। इस दावे की सत्यता को जांचने के लिए गूगल पर अलग अलग वर्ड सर्च करने पर हमारे सामने कुछ मीडिया रिपोर्ट आई, जिनसे पता चलता है कि 97,000 छात्रों के कोरोना संक्रमित होने की बात सच है, लेकिन ये मामला भारत का नहीं अमेरिका का है। वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि 97,000 छात्रों के कोरोना संक्रमित होने का आंकड़ा केंद्रीय शिक्षा विभाग ने जारी किया है। MHRD की ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें ऐसा कोई अपडेट नहीं मिला, यहाँ तक कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी संक्रमित छात्रों की संख्या का अलग से कोई आंकड़ा जारी नहीं किया। अब आते हैं 2021 से स्कूल खुलने वाले दावे पर। गृह मंत्रालय ने 29 अगस्त को अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी की थी। इस गाइडलाइन के मुताबिक 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं के बच्चे टीचर से गाइडेंस लेने के लिए अपनी इच्छा से स्कूल जा सकेंगे। दैनिक भास्कर वेबसाइट पर 21 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9वीं से 12वीं और हायर एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की पढ़ाई आंशिक तौर पर शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है। यूट्यूब पर अलग अलग वर्ड सर्च करने से भी हमें ऐसा कोई न्यूज बुलेटिन नहीं मिला, जिसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इन सब से स्पष्ट है कि 2020 में स्कूल न खुलने का दावा झूठा है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।